हेलो माय गैंग, होप यू आर डूइंग गुड। और आज है 2023 का आखिरी दिन, यानी कि 31 दिसंबर। अभी इंडिया में एक वॉर चल रहा है, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। इंडिया के दो टॉप के मोटिवेशनल स्पीकर्स एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। क्यों? MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, पोंजी स्कीम, इसका नाम तो आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो जाके सर्च करना, या फिर आपके पास थोड़ा सा वक्त और पेशेंस होगा तो आपको मेरा एक्सपीरियंस सुनने के बाद तो पता ही चल जाएगा। अभी का ये जो टॉपिक चल रहा है, संदीप माहेश्वरी सर वर्सेस विवेक बिंद्रा सर, तो इसमें जो MLM की बात हो रही है, क्या सच में ये स्कैम है, क्या इस केस में सच में लोगों को फंसाया जाता है, इस बारे में मेरा एक्सपीरियंस खुद का जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत हिम्मत जुटा के मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मतलब मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि इस साल मैं आपके साथ ये बात शेयर करने वाली हूँ, और आज साल का आखिरी दिन आ चुका है और अभी ये MLM का टॉपिक जो छिड़ चुका है उसकी वजह से फिर से मेरा दिल ऐसे कहने लगा, नहीं अभी तुम्हें ये शेयर करना पड़ेगा। बिकॉज आई एम फीलिंग एंशियस राइट नाउ ऑल्सो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल, ताकि मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो और कोई एक बंदा बंदी जो भी हो वो फंसे ना। ये बहुत ही रॉ एंड रियल रहने वाला है वीडियो, क्योंकि मैं दिल से बात करने वाली हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो, तो अगर आपको सच में जानना है तो एंड तक बने रहना। की बात है, मैं एक्टिंग करती थी तब एंड स्ट्रगल चल रहा था। किसी एक सेट पे मुझे एक कोई फ्रेंड मिली थी। मुझे एक बार उसका कॉल आता है, लेकिन मैं मुंबई में रहती हूँ तो ट्रेन के ट्रैवलिंग में वो मिस हो जाता है, ऐसा एक दो बार होता है। बीच में कभी एक बार फिर हमारी बात होती है तो वो बताती है कि उसने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है एंड शी इज अर्निंग वेल, शी इज हैप्पी वगैरह वगैरह। आई फील हैप्पी फॉर हर, वो टॉपिक मैं वहां पे भूल जाती हूँ। उसके बाद मैं किसी शूट के लिए नायगांव विरार साइड पे जाने वाली होती हूँ, और उस दिन मेरा पैकअप लेट होता है या फिर मेरा नेक्स्ट डे का कॉल टाइम बहुत अर्ली मॉर्निंग रहता है, 5-6 बजे कुछ। और मैं रहती थी नवी मुंबई, विच इज़ वेरी फार फ्रॉम द लोकेशन ऑफ शूट, तो इसकी वजह से मतलब शी वॉज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मैं उसको पूछती हूँ, उसका घर नज़दीक है तो कैन आई स्टे विथ हर, और मैं उसके घर में रहने के लिए जाती हूँ। उस दिन जब हमारी बात होती है तो मैं पूछती हूँ क्या चल रहा है वगैरह, देन शी इज़ लाइक कि हाँ बिजनेस कर रही हूँ, अच्छा चल रहा है सब कुछ वगैरह वगैरह, मेरे टाइम के हिसाब से मैं कर सकती हूँ एंड ऑल दैट। तो ऐसा होता है ना कि यार इतना अच्छा क्या है कि मतलब जो अपने टाइम के हिसाब से करने को मिल रहा है। एंड मेरे घर पे भी बहुत मुझे उस टाइम पे प्रेशर था कि नहीं एक्टिंग नहीं करनी है, जॉब करो वगैरह। तो मेरा ऐसा था कि घर वाले भी उस वजह से ही बोल रहे हैं ना कि स्टेबल इनकम नहीं है, एक्टिंग का आज काम है नहीं है, तो मैं ऐसे बोल देते ना हम कि हाँ यार क्या कर रहे हो हमें भी बताओ, मतलब ऐसा क्या है जो साइड बाय साइड कर सकते हो, तो उस तरह से मैं पूछती हूँ। तो है एक बिजनेस ऐसे वगैरह, वो बोलती है, मैं भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। कुछ दिनों के बाद मुझे उसका कॉल आता है, जो वो कर रही है उसमें एक जगह है और इफ़ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दैट बिजनेस देन शी विल रिकमेंड माई नेम, मुझे अभी भी शी विल रिकमेंड माई नेम टू हर सीनियर, मतलब बताओ जल्दी अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह अरेंज कर देती हूँ। मेरा तो ऐसा था कि मुझे एक्टिंग ही करना है, और आजकल तो पहले ऐसा था कि जॉब करके कर सकते हो, लेकिन अभी तो मैं दूर रहती थी एंड माई जॉब्स वर लाइक, मैं रिसर्च फील्ड में थी तो लैब में पूरा दिन काम करो, देन इट वॉज नॉट पॉसिबल। एंड मैं उसको बोलती हूँ ठीक है फिर देखते हैं, और मैं घर पे भी बात करती हूँ मम्मी से, पापा से नहीं, मैं पापा से बहुत डरती थी। वो बोलती है ठीक है मीटिंग अरेंज करवा देते हैं फिर। एंड एक दिन फिक्स होता है और थाने के एक एरिया में एड्रेस उसने मुझे भेजा एंड बोला कि 4 बजे आ जाओ करके। मुझे ऐसे बताया गया था कि अच्छे से आना, टाइम पे आना, लेट मत करना, वो बहुत बड़े सर है, उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह। एंड हम पहुंच गए थे टाइम से पहले एंड वहां पे बैठे थे, मैंने उसको फोन किया, देन शी वाज लाइक कि हाँ आ रहे हैं हम लोग, लेकिन द फैक्ट इज दैट वो लोग वहीं पे रहते हैं। ओके, ये एक उसका सिनेरियो समझ लो कि वो लोग वहीं पे रहते हैं। तो थोड़ी देर बाद उसका कॉल आता है, वो आती है मुझसे मिलने एंड वहीं पे एक साइड में स्टारबक्स होता है, वहां पे हमें लेके जाती है। स्टारबक्स में जाके हम बैठते हैं और एक कोई बंदा होता है जो भी सो कॉल्ड सीनियर होता है,
और दूसरा बंदा ऐसे आता है जैसे कि हाँ वो बहुत कोई बड़ा हो, एंड ऐसे तब तक तुम लोगों का माइंड इस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि वो कोई बड़ा आदमी है, वो अपना बहुत कीमती वक्त तुम्हारे लिए निकाल के आ रहा है वगैरह वगैरह। फैक्ट इज दैट कि वो बंदा ऑलरेडी वहीं पे था स्टारबक्स में, हम आने से पहले वो निकल गया बाहर और फिर वापस आया। वो लोग बोलते हैं कि मतलब तुम कर पाओगी क्या, एंड पूछते हैं फिर अब किसी बिजनेस को स्प्रेड करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एंड फिर आता है माउथ पब्लिसिटी पे वगैरह वगैरह। इस बीच में आप कितना भी पूछो या फिर जानने की कोशिश करो, वो लोग एग्जैक्टली क्या है वो नहीं बताएंगे। जैसा अमेजोन वगैरह है वैसे टाइप का कुछ बिजनेस है ऐसे बताएंगे। उसी दिन वो लोग बताते हैं कि ऑब्वियसली बिजनेस है तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतने रुपीज का करना पड़ेगा और ये टर्म्स कुछ लैक्स में वगैरह होंगी। वो सुन के मैं ऐसे हो जाती हूँ कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, एंड उसी डिलेमा में उसी कंफ्यूजन में मैं घर चली जाती हूँ। उसके बाद में उसका मुझे फिर से फोन आता है फ्रेंड का, देख लो। मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पॉसिबल होगा, देन शी इज लाइक कि नहीं तुम लोन भी करा सकती हो या फिर गोल्ड लोन ले सकती हो, पैसे का तो कुछ टेंशन नहीं है, अगर तुम करना चाहती हो तो देख लो, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है एंड सबको नहीं ऐसा चांस मिलता, तुम्हें मिल रहा है तुम सोचो। मतलब ये लोग तुम पे डालेंगे राइट, मतलब तुम्हारा माइंड को घुमाएंगे। सच में तुम्हारे माइंड में क्या चलता रहेगा, यार मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ नहीं ज्वाइन करके, मुझे करना चाहिए था क्या। और कैसा होता है, तुम्हारा नजदीक का दोस्त रहता है कोई, ट्रस्ट होता है ना, तो वो तो मुझे गलत नहीं बताएगी। फिर एक दो बार फिर बीच में बातें होती है एंड जैसे तैसे मैं तैयार हो जाती हूँ, कैसे पता नहीं अभी देख के लगता है पता नहीं क्यों। और मेरे पास पैसे थे एंड बाकी मैं गोल्ड लोन करती हूँ, यस गोल्ड लोन मम्मी की ज्वेलरी पे। फिर हमारी सेकंड मीटिंग या फिर जो भी है इंटरव्यू कह लो, एंड तो वहां पे वो लोग कुछ हमें टर्म्स कंडीशंस बताएंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप कुछ साइन होगा, डिमांड ड्राफ्ट बना के हम वो बुक कर लेंगे। एंड वहां पे वो लोग कुछ एक्सप्लेन करते हैं लेकिन जो कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, एंड ऐसे दिखाएंगे कि तुम्हें सब बताया है, एंड आई वाज लाइक कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देन दे वर लाइक कि हाँ मतलब हम लोग है ना, वी आर देयर टू गाइड यू, हम लोग साथ में काम करेंगे, मस्त करेंगे वगैरह वगैरह। ये सब मीटिंग्स मोस्टली स्टारबक्स या फिर सीसीडी वगैरह में होती है। जब मैंने बात करने की कोशिश की, क्योंकि हमें MLM का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का एक पता है MWay, राइट, जो सीधे सीधे बेचते हैं उनके प्रोडक्ट्स, तो हम लोगों ने ऐसे ही डायरेक्टली पूछा कि ये MWay के जैसा काम करता है क्या। तो वो लोग अवॉइड करेंगे, वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है MLM, मतलब हमारा ये ऐसा नहीं है बिजनेस, हमें कुछ नहीं बेचना, ऐसा बताएंगे। ओके तो वो लोग एक्चुअली जब तक तुम एंटर नहीं होते हो तब तक कुछ नहीं पता होता है आपको, एंड एंटर होने के बाद में भी बहुत लोगों को कुछ नहीं पता होता है। अभी भी मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि क्या हो रहा है, किस कंपनी की बात हो रही है वगैरह। तो मेरा पैसा वहां पे इन्वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारा वेलकम वाला एक सेशन था, वो वसई में कुछ मॉल है ना वहां पे था, एंड वसई पे उस दिन मैं गई, तब वो लोग सिर्फ तुम्हें सीक्रेट वगैरह जो चीज है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बेसिस पे सब ये करेंगे। हम कहाँ रहे दिखाने के लिए क्या, बड़े से रेस्टोरेंट में, बड़े से किसी स्टारबक्स वगैरह, मैंने जैसे बताया वहां पे तुम्हें बुलाएंगे, एंड वहां पे फिर तुम्हारी जो अपलाइन होगी, अपलाइन टर्म यूज किया जाता है, जो मेरी फ्रेंड है वो मेरे लिए अपलाइन होगी, तो वो तुम्हारे लिए 350-400 की कॉफी लेती है हमेशा हमेशा। तो तुम्हें क्या लगेगा यार ये कितना कमा रही है, वो मेरे लिए इतना अगर पैसा डाल रही है उसका मतलब कितना कमा रही है, राइट। वो ड्रीम्स के ऊपर उनका बिजनेस चलता है। हमारा जो भी दोस्त होगा वो तुमसे हमेशा ये ड्रीम्स के बारे में बात करेगा, मैंने गोल्ड के इयर रिंग्स खरीदे खुद के लिए, मम्मी के लिए ये किया, अभी मुझे लुई विटोन का बैग लेना है, एंड एक ड्रीम बुक नाम का कंसेप्ट होता है उनके पास में, तो ड्रीम बुक में मुझे ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह वो चिपका के रखा था, वो दिखाया मुझे उसने। वो कंपनी का नाम उस दिन बताते हैं मुझे क्यूनेट करके, सीक्रेट के ऊपर बेसिकली उनका बिजनेस चलाते रहते हैं वो तुम्हें इन चीजों में उलझाते रहेंगे। एंड उस टाइम पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, मतलब जब सेशन चल रहा था, आई एम द गर्ल हु आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, और मैंने उस टाइम पे भी पूछा था तो मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिले। और ये जब हमारा ये सेशन हुआ उसके बाद जब हम बाहर निकले तो उस मॉल के बाहर मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, एंड आई वाज सो शॉक्ड, मुझे अजीब लगा था क्योंकि इस लड़की ने मुझे कहा था कि देर आर वेरी लिमिटेड पोजीशंस और सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और मुझे सबसे वियर्ड चीज वही लगी थी, इतने सारे लोग हैं। एंड देन वहां पे
वेलकम का केक कट किया, 5-6-7 लोग थे हम उस टाइम पे, एंड इस दौरान मुझे बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील हुआ. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट समथिंग इज रॉन्ग. तो इसके बाद में आपको ट्रेनिंग सेशन कह लो या फिर मुझे याद नहीं एग्जैक्ट टर्म्स क्या थे, लेकिन आपको बुलाएंगे, मतलब उनके अड्डे है फिक्स ऐसे कह सकते हो. जो कांदिवली का ग्रोवेल्स है वहां पे फूड कोर्ट के एरिया में ये लोग बैठे हैं. देन वसई का जो मॉल मैंने बोला वहां पे वो लोग बैठते हैं. वहां पे सब लोग आए हैं, बैठे हैं, एंड तुम लोगों को सपने दिखाएंगे, बातें करेंगे. मेरे केस में ये चीज अच्छी हुई कि आई वॉज रिस्पॉन्डिंग वेरी पॉजिटिवली, मतलब हाँ जो वो लोग बता रहे हैं वैसे कर रही थी वगैरह वगैरह. तो उसकी वजह से मेरी प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो गई. उसके बाद में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, अभी हम बैठेंगे सब ऐसे, एंड उनका एक स्क्रिप्ट होता है एंड वो रटना होता है, मतलब एकदम एनर्जेटिक बात करनी है, कैसे हो तुम और कैसे चल रहा है सब, यार मेरा तो मस्त बढ़िया चल रहा है, एंड एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा कमा रही हूँ, एंड साथ ही में मतलब मेरा तो एक्टिंग कर रही थी तो एक्टिंग के साथ साथ कर रही हूँ बिजनेस, एंड अच्छा चल रहा है सब कुछ. एक्चुअली मुझे एंजाइटी का इश्यू है, मैं बहुत करेज लेके बैठी हूँ, बीच बीच में ऐसा होता रहेगा, लेकिन आज आपसे बात करनी ही है. आपको ये जो स्क्रिप्ट दिया जाएगा उसके साथ साथ आपको कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बनाने के लिए बोलेंगे, जो आपके बहुत नजदीक के लोग हैं, मतलब आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके चाचा मामा नाना नानी भाई बहन जो भी है, या फिर आपके बहुत ज्यादा BFFs हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, वो एक लिस्ट में आएंगे. दूसरी लिस्ट होगी जो थोड़े बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, और तीसरी लिस्ट बनेगी जो आप मिल चुके हैं वो लोग, मतलब आपके पास कुछ कॉन्टेक्ट होते हैं, आप मिले हुए होते हो बट आप क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते हो. तो आपको बैठ के क्या करना है, बस सबको फोन करते जाना है और बताना है, जो स्क्रिप्ट दिए उसके हिसाब से बात करनी है. एंड आई वाज लाइक कि मैंने अभी तक कुछ कमाया नहीं है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों बता रहे हैं. इसमें मेन जो बेचते हैं वो लोग, वो ट्रस्ट ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रस्ट के बिना पे ये चलता रहता है पूरा उनका जो चल रहा है. मैं उसको बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, ये चल रहा है. मुझे कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, कभी हम मिल रहे हैं कांदिवली में, कभी थाने में, कभी वसई में, कभी कहीं और. 5 साल हो गए, तो अभी नहीं पता उन्होंने अपनी जगह बदली है या फिर अभी कोविड के बाद में सब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन चल रहा है क्यों नहीं ये डेफिनेटली मुझे पता है, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ. बीच में एक बार थाने में बुलाया था, उस टाइम पे भी ऐसे बताते वक्त तुम्हारी जो दोस्त है ना वो तुम्हें बताएंगी, यार सर ने 25,000 का शर्ट खरीदा है. 25,000 का शर्ट, तो इस तरह से तुम्हें ये जताने की कोशिश करेंगे कि यार इनका कितना मस्त चल रहा है. इनका एक इवेंट होता है सिंगापुर साइड में, तो वो सिंगापुर या फिर दुबई, इनके जो भी मेन अप्लाइंस है वो बाहर से ही ऑपरेट करते हैं. जब भी ये नीचे के लोग आते हैं ना तो सबको कमीशन मिलती है, मतलब अगर मैं ज्वाइन हुई तो मेरी दोस्त को मिलेगा, दोस्त के ऊपर के लोगों को मिलेगा, जिन्होंने उसको जोड़ा है वो अपलाइन तक, मतलब सबसे ऊपर वाला जो है उस तक सबको कमीशन मिलेगा. हाँ, बीच में क्या होता है, एक बार मैं घाटकोपर में भी जाती हूँ, क्या बोलते हैं मुझको कि दुबई में रहती है उनकी एक मैम, वो आई है इंडिया में एंड वो आज का सेशन लेगी हमारा. रैंडम सा कुछ ट्रेनिंग टाइप होता है, फिर उसके साथ में मुझे प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारे नीचे भी किसी को लाओ, मतलब ये जो रहता है वो एक ट्री जैसा, मतलब मैंने एक बंदा हूं तो 2 बंदों को जोड़ा, फिर 2 ने 4 को जोड़ा, 4 ने 8 को जोड़ा, ऑब्वियसली पिरामिड्स की. वो उसके लिए मुझे फिर फोर्स करना स्टार्ट किया, एंड आई वॉज लाइक मैंने ऑलरेडी इतना पैसा डाला है मुझे नहीं डालना. देन ऑल्सो दे स्टार्ट प्रेशराइजिंग, नानी को पूछो, चाचा को पूछो, भाई जॉब करता है उसको बोलो लोन निकाले वगैरह. आई वॉज लाइक कि नहीं करना है मुझे, लेकिन फिर भी एक बात के बाद में ऐसा होता है कि तुम उसमें फंस चुके हो एंड कुछ ना कुछ ब्रेन वॉश किया होता है. फिर उसके बाद में मेरी मम्मी को और नानी को जोड़ती हूँ मेरे नीचे. उसके बाद में फिर से एक एक केक काटा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है वगैरह. क्या होता है, मुझे ये सब अजीब लगने लगता है क्योंकि मुझे फोन करने बोलते हैं एंड बोलने को बोलते हैं दोस्तों को. कभी कभी हम किसी से बहुत दिनों तक बात नहीं किए हैं एंड ये लोग बोलते हैं तुम्हें कि जाओ फोन करो और बोलो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऐसे चल रहा है. सबको पता था कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, रैंक होल्डर यूनिवर्सिटी की, एंड बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया. जो कॉल करने के लिए बोला तो कॉलेज के किसी को मैंने कॉल किया था एंड उसको बोलते हुए मैंने बोला कि साइड बाय साइड कर रही हूँ एक्टिंग के साथ में बिजनेस और अच्छा चल रहा है, अच्छा कमा रही हूँ वगैरह वगैरह. तो वो मैडम बाद में मुझे डांटती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, लाखों करोड़ों का बिजनेस साइड बाय साइड कोई करता है क्या. उसके बाद मेरा दिमाग हिल गया, मतलब
एक तो तुम लोग मुझे जो मैं नहीं कमा रही हूँ वो बताने के लिए बोल रहे हो, उसके बाद तुम लोग बोल रहे हो कि साइड बाय साइड क्यों बोला तुमने। अरे इसी बात पे तो मैं आई थी, वो उनका एक अपलाइन जो मेरे को स्टार्टिंग में इंटरव्यू लेने आया था, वो मुझे एक बार बोल रहा है तुम तो एक्टर हो, तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट रटना और बात करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि मुझे ये सिग्नल्स मिल रहे थे। आई वॉज सीइंग सम रेड फ्लैग्स। मैं हमेशा ना जिंदगी में एक चीज बोलती हूँ, मतलब मैं जब एक्टिंग नहीं करती थी उस टाइम से मेरा ये कहना है, तुम एक्टिंग कर रहे हो तब एक्टिंग करो, रियल लाइफ में एक्टिंग नहीं करनी होती, रियल लाइफ में रियल रहना है, मेरा ये फंडा है। तो उस टाइम जब उस बंदे ने मुझे ऐसे बोला, फिर वो मैडम ने वैसे बोला, उस टाइम से तो मैं हिल गई थी। आई वॉज वेरी अनस्टेबल, मतलब मैं बहुत रो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आई वॉज ट्रैप्ड, आई न्यू कि मैं बहुत बेकार तरीके से फंस चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकती, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि लगभग 5 लाख की अमाउंट थी। मैंने गोल्ड लोन लिया था, नानी से पैसे लिए थे, मेरे खुद के पैसे फंसे हुए थे। तो आई वॉज लाइक कि सब खत्म हो गया यार, मतलब अच्छा खासा मेरा एक्टिंग का काम चल रहा था, उसमें भी ये हो गया पूरा, मतलब मेरा फोकस हिल चुका था, मुझे कुछ ऑडिशंस भेजने थे अच्छे काम के लिए, वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, मैं बहुत बेकार तरीके से टूट चुकी थी अंदर से। ही यूज टू क्राई अ लॉट, मतलब किसी के मरने के बाद जैसे रोते हैं ना वैसे रो रही थी मैं। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे नहीं करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। देन दे वर टॉकिंग टू माई मॉम एंड उसको भेजो। फिर एक दिन थाने बुलाया मुझे, मतलब मैं जाने को तैयार नहीं थी, तो मम्मी से बात करके कैसे तैसे मुझे कन्विंस करके मम्मी ने भेजा फिर थाने में, जहाँ पे हम स्टार्टिंग में मिले थे, सो कॉल्ड इंटरव्यू के टाइम पे हम जहाँ पे मिले थे वहाँ पे सेम जो बंदा था जिन्होंने इंटरव्यू लिया था वो आए थे। एंड उन्होंने फिर मुझे समझाने की कोशिश की कि तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, कैसे हो रही हूँ, ऐसे कोई भी कुछ भी बोलेगा तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं, मतलब उसकी बातों में थोड़ी आता है जो हमें करना है, हम बड़ा कुछ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने फिर से मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा शांत हुई थी लेकिन कन्विंस नहीं हो पाई थी उस बात से। फिर उस टाइम पे भी एक चीज हुई कि हम लोग सीसीडी में मिलने आए थे, मतलब ये मुझे नहीं करना है वगैरह सिचुएशन में थी, तो वो अर्जेंसी में आए थे, ही वॉज लिविंग इन विरार और समथिंग, और तो उसकी वजह से मेरी जो फ्रेंड थी वो नहीं आई थी। लेकिन मैं जब बाहर आई तो मैंने उनकी एक बात सुनी, और इतनी महंगी कॉफी कौन पीता है, ऐसा कुछ उनका डिस्कशन चल रहा था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आज तक जब भी हम किसी भी सीसीडी में या फिर स्टारबक्स में गए हैं, ऑर्डर किया गया है जो भी कॉफीज या फिर उनके लिए हो किसी और के लिए हो, वो मेरे दोस्त ने ही पे किया था बिल हमेशा। आई रियलाइज दैट टाइम कि मतलब अगर ये बंदा 25,000 का शर्ट पहन सकता है, ये लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स कर सकते हैं, ये लोग अगर इतना कमा रहे हैं, आईफोन वगैरह खरीद रहे हैं, इनका इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ, देन इनके लिए 350 की कॉफी कैसे महंगी होगी। जो मेरी फ्रेंड जो है वो तो इनको इनके नीचे है, राइट, जो मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि यार हम लोग ये इतना कमाते हैं वगैरह, तो इसका ऊपर वाला बंदा ही वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड दैट हिट मी वेरी हार्ड, मतलब वो मेरे लिए बहुत ये रियलाइजेशन वाला पॉइंट था कि ये कुछ सही नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बुरी चीज ये थी कि किसी अपने ने धोखा दिया था, मतलब जिस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसे किसी ने धोखा दिया था। और मतलब मैं खुद ये सब नहीं करती क्योंकि आई वॉज वेरी फोकस्ड अबाउट माई एक्टिंग, और मुझे आई वॉज लाइक कि मैंने जॉब तक छोड़ दिया था एक्टिंग के लिए, लेकिन मेरे घर से बहुत प्रेशर था एक्टिंग के लिए, एंड मैं उस ट्रैप में फंस गई कि हाँ एक्टिंग करके साइड बाय साइड तुम ये कर पाओगी, इसकी वजह से मैं फंस गई। नहीं भी तुम स्मार्ट हो, अगर भरोसे का कोई आदमी कुछ कह रहा है तुम भरोसा रख सकते हो उसके ऊपर। और मैंने जैसे बताया ये ट्रस्ट पे चलता है इनका बिजनेस। ये जब उन्होंने मुझे साइन वगैरह किया, जो पैसे लिए, एक्चुअली इसको साइनिंग का पैसा कुछ भी नहीं है, मतलब क्यूनेट में जो साइनिंग का पैसा है वो वाकई में कुछ नहीं है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं क्यूनेट के, बहुत महंगे महंगे घड़िया वगैरह, उस क्वालिटी का तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उनके कुछ टूर पैकेजेस है सिंगापुर वगैरह वगैरह, और ये तुम लोगों के नाम पे तुम्हें बिना बताए ये बुक कर देंगे। मतलब जब मेरा साइन किया तो उन्होंने उसमें ये सब बुक किया था, एक कुछ आता है एनर्जी ड्रिंक टाइप, कुछ याद नहीं मुझे, वो एक लिया था, वो 5,000 का था,
देन एक ये टूर पैकेज टाइप्स दो लोगों का, और वो लाखों में था। और ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ये तुम्हें बिना बताए बुक करेंगे। एंड बाद में मुझे पता चला ये मुझे मेल आया ना, आई वाज लाइक कि अगर ये बुक हुआ है तो मैं मेरी मम्मी पापा को भेज दूंगी हॉलीडे पे, उसका एक्सपायरी पीरियड रहता है उसके पहले मैं भेज दूंगी। देन वो लोग तुम्हें क्या बताएंगे कि बहुत पैसे तो आएंगे बाद में, तब भेज देना, अब क्या भेजना है। और वो एक्चुअली मेरे ख्याल से वो टूर पैकेजेस आप यूज़ ही नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये हॉलीडेज के दिन पे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसे बहुत सारे है, मतलब जो आएगा उसमें देखने को मिलेगा आपको। आई वाज लाइक कि ये अगर ऐसा है तो फिर बुक क्यों किया है? बुक इसलिए किया है ताकि वो बेचा होता है आपके अपलाइन ने आपको, तो उसके पैसे से जो कमीशन आएगा वो मिलेगा आपके ऊपर के सब अपलाइंस को, इसके लिए तुम्हें बिना बताए ये सब बुक कर देंगे। और मैंने तीनों जो कर दिया था साइन, मेरा, मम्मी का और नानी का, तो उस पे सब पे इन्होंने बुक कर दिया था, ऐसे तुम्हें बिना बताए कुछ भी कर देंगे। अगर मेरे नीचे मुझे किसी को साइन कराना है तो उसके पैसे की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसके लिए पैसा लगता है, मतलब बेचते नहीं है हम। अगर मुझे मेरी दोस्त ने साइन कराया तो मैं खुद साइट से खरीदूंगी, उनकी साइट थी क्यूनेट की, तो वहां पे आपको आपका आईडी और पासवर्ड भी दिया होता है, वहां से आपके नाम पे परचेस कर देंगे डायरेक्टली, उसका तो कुछ फायदा ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये सब मुझे जब रियलाइज हुआ कि मैं फंस चुकी हूँ, एंड मैं खुद नहीं करना चाहती थी ये किसी के साथ में, मतलब जब मैं झूठ बोल रही थी सामने वालों को, तो मैं खुद कभी झूठ नहीं बोलती, और मुझे नहीं पता आत्मा कैसे कांपती नहीं है सामने वाले की किसी से इतना बड़ा झूठ बोलते वक्त। मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब वो फोर्सफुली मुझे सामने वालों को कॉल करा रहे थे, एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ, मैं क्यों किसी को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैं फंस चुकी हूँ, मैं किसी सामने वाले को नहीं फंसाना चाहती है। उसी वजह से मेरा था कि अगर मेरा पैसा गया है तो मैं और किसी को नहीं फंसाऊंगी, इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया। आई वॉज शैटर्ड, मैं बहुत टूट चुकी थी अंदर से, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं रोती रहती थी, मैं कोने में बैठती रहती थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी मतलब, लेकिन उस टाइम मेरे एक्टिंग के काम जो मैंने ऑलरेडी लिए थे वो करने ही थे, लेकिन इस दौरान मैं बहुत सर्च कर रही थी, आई वॉज सर्चिंग ऑन गूगल एवरीवेयर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो इसीलिए मैं सर्च कर रही थी। उसी दौरान मुझे दो फरिश्ते मिले, मैं से एक थी अलीना रईस जो कि यूट्यूबर है, और दूसरे थे अनिल कुमार करके, जिनका कोरा पे मैंने उनका एक आंसर पढ़ा था यूनेट के बारे में, जब मैंने सर्च किया तब उनका भी आंसर आया था, एंड उन्होंने जब डिटेल में सब कुछ लिखा था तो उन्होंने नीचे उनका मेल आईडी मेंशन किया था। तो जो अलीना रईस मैडम है, शी इज बिग यूट्यूबर नाउ, उस टाइम पे उतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस यूनेट के बारे में उन्होंने उनके चैनल पे डाला हुआ था, अभी वो वीडियो आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने वहां पे मेंशन किया था अगर आप 30 डेज के पहले रिफंड चाहते हो तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, तो ये देख के थोड़ा सा रिलीफ मिला था। तो मैंने उन दोनों को मेल डाला, अलीना रईस मैम का मुझे बस ईमेल में रिप्लाई आया था कि यस यू कैन गेट योर रिफंड अगर 30 दिन के पहले अगर तुम्हारा तुम क्लेम कर रही हो तो। एंड अनिल कुमार जी हेल्प मी अ लॉट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, उन्होंने मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर भी दिया। ही वॉज द वन हु लॉस्ट हिज मनी बिकॉज ऑफ दिस क्यूनेट बिजनेस, और उन्होंने उनका खुद का पैसा पूरा गवाया था। उनके साथ ये हुआ था कुछ महीनों तक, शायद कुछ पता नहीं था कि क्या है, उनको आइडिया ही नहीं लगने दिया कि क्या चल रहा है। एंड इवन अलीना रईस मैम की बात कर रही हूँ, उन्होंने भी इसमें अपने बहुत सारे साल और अपने बहुत सारे पैसे गवा दिए हैं, उन्होंने उनका जॉब गवा दिया, ऐसे मतलब वो लोग इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं ना कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता। शी इज CA, ऐसा नहीं है कि कोई एरा गेरा बिना पढ़ा लिखा इंसान है, मतलब मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, शी वॉज CA, मेरी जो फ्रेंड थी शी इज डॉक्टर, और मेरा एक फ्रेंड है जो मुंबई के जाने माने अस्पताल में डॉक्टर है, वो भी इसमें काम कर रहा था, मतलब मेरे साथ नहीं, वो अलग तरह से मुंबई में कर रहा है, मेरा जो था वो अलग, मतलब अलग अलग नेटवर्क्स है इसमें भी, समझ रहे हो, तो कोई भी इजीली फंसा सकता है आपको दोस्ती के बिना पे। ही वॉज ऑल्सो डूइंग इट इन क्यूनेट, वो हमारी कई एक बार बात हुई तो बात से बात हुई तब निकला था ये। देन ऑल्सो ही वॉज लाइक कि तुमने उसको क्यों बताया, तुमने उससे क्यों पूछा, क्योंकि अब तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स वो ले लेगा,
ये इतने ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट का मैटर करता है, तुम्हारा नजदीक का दोस्त ही तुम्हारे पीठ में खंजर खोपेगा। लेकिन जानने वालों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन अनजान लोगों ने मेरी बहुत मदद की। स्पेशली अनिल कुमार जी को थैंक यू कहना चाहूंगी। मेरे पास अभी उनका नंबर नहीं है, लेकिन ही हेल्प मी अ लॉट। मतलब थ्रू आउट जो रिफंड का प्रोसेस था उसमें मैं बनी रही, टिकी रही या फिर ट्राई करती रही, बिकॉज ही वॉज देयर टू हेल्प मी थ्रू आउट दिस। मतलब मैं खुद अभी पता नहीं मैं क्या करती अगर मुझे ये सब गाइडेंस नहीं मिलता। थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू दीज पीपल। और मुझे मेरा रिफंड मिल गया, पूरा नहीं मिला, जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं वो कट गए, और मेरा जो मैंने बोला 5000 का एनर्जी ड्रिंक उसका पैकेट हमने खोल दिया था तो वो हम नहीं रिटर्न कर पाए, वो कुछ खास नहीं लगा था। वो लोग अपलाइन आपको बताते वक्त बताएंगे और मस्त है एकदम से ऐसे वैसे, लेकिन मुझे वैसा कुछ नहीं लगा था। लेकिन जो मेनली ये थे ना, क्या बोलते हैं, हॉलीडे पैकेजेस जो भी बुक किए थे उनका रिफंड मिल गया। मैंने नानी के पूरे पैसे लौटा दिए, मम्मी के गहने छुड़वा लिए, एंड मेरे गए वो थोड़े से पैसे गए, लेकिन मैं कहूंगी 5 लाख रुपए से अच्छा है कुछ हजार जाना, राइट। और इस दौरान जब मैंने रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था तो उसके बाद आपको आपका जो भी कस्टमर आईडी है जो भी है आपको उनको डिटेल में मेल करना पड़ेगा, उनसे बात करती रहनी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली उनको फोन करती रहती थी, कस्टमर केयर है उनका वहां पे, एंड मैंने बहुत धमकियां दी है उनको कंज्यूमर कोर्ट की वगैरह। एंड मेरा रिफंड आ गया था 3-4 महीने में, कुछ याद नहीं है एग्जैक्टली, मैं डेट्स देख के आपको एक तो यहाँ पे बता दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स फॉर सेविंग मी फ्रॉम दिस। लेकिन बहुत लोग खुद, मतलब कुछ लोगों ने लिटरली सुसाइड किया है इस चक्कर में, आप देखोगे सर्च करके तो आपको पता चल जाएगा। मेरा नसीब मैं इसलिए खुद का अच्छा कहती हूँ क्योंकि 1 महीने के अंदर मुझे सब कुछ पता चल गया, इसकी वजह से मैं जल्दी से कट ली वहां से, उसकी वजह से मेरा पैसा मिला, नहीं तो उनका 30 डेज का ही रिफंड का गारंटी रहता है। एंड आपको अगर डिटेल में जानना है ना सब कुछ, 2-3 तो मैंने देखे ऐसे चैनल्स जो डिटेल में सिर्फ क्यूनेट के एक्सपीरियंस के ऊपर ही चैनल्स बनाते हैं। मैं 1-2 चैनल्स की लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में जो मैंने देखे हैं, ताकि अगर आप फंसे हो आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वो लोग शायद आपकी हेल्प कर सके। अभी आपसे बात करके मुझे बहुत हल्का लग रहा है, सिर में से इसे एक बोझ उतर गया ऐसे लग रहा है। कुछ भी हो ऐसी चीजों में मत फंसना, क्योंकि आपका हार्ड अर्न रहता है मनी, इन लोगों को कुछ नहीं लगता। जो लोग ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं ऑलरेडी उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो लोग मतलब ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं ये जो भी चल रहा है, एंड आप फिर रोते रह जाओगे बाद में अगर आपको रियलाइज हुआ तो, नहीं तो फिर आप ब्रेन वॉश हो जाओगे, दोनों में से एक चीज हो जाएगी। विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज तो 50,000 के वगैरह है ना, राइट। मतलब मुझे नहीं पता, उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज लोगों के बहुत पैसे। मतलब आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको पर्सनल लोन निकालने के लिए बोलेंगे, आपको गोल्ड बेचने के लिए बोलेंगे, गोल्ड लोन लेने के लिए बोलेंगे, कोई जमीन है तो वो बेच दो ऐसे बोलेंगे। मतलब ये लोग आपको पूरा ऐसे बस दिखाना है आपको, आप इतना घूम रहे हो, आपने खुद के ऊपर इतना काम किया, ग्रूमिंग करवा लिया, बाल स्ट्रेट करवा लिए, आईफोन खरीद लिया। एक तो आपके पास उतना पैसा नहीं होता आईफोन वगैरह खरीदने का, एक तो आप लोन पे खरीदते हो या फिर सेकंड हैंड खरीदते हो, वो जो मर्सिडीज ऑडी वगैरह जैसी गाड़ियां है वो भी वैसी ही होती है, सेकंड हैंड खरीद ली या फिर वो फिर बाद में चलाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा होता है। उसके पास उस दिन 350 कॉफी के पैसे भरने के लिए पैसे ज्यादा लग रहे थे उसको, तो वो क्या खाक ऑडी खरीदेगा, समझ रहे हो। तो मैं इसीलिए थैंकफुल हूँ यूनिवर्स से कि मुझे वो पता चल गया। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे नहीं वापस मिलते तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं शायद अपनी जान दे देती, क्योंकि मेरे घर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ऑब्वियसली पापा को बाद में पता चला, देन उन्होंने बहुत डांटा, देन मतलब बहुत कुछ हुआ। उसके बाद से मेरे एंजाइटी और डिप्रेशन का इशू स्टार्ट हो गया, जो अभी भी चल रहा है। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प हुई हो, कि अगर कोई आपको ऐसे ही कुछ बिना बताए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है तो भाग लो। मतलब कितना भी नजदीक वाला दोस्त हो, लंगोटी यार भी क्यों ना हो, भाग लो वहां से, मत इन्वॉल्व होना उसमें। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो बस, मैंने कमेंट्स भी पढ़े लोगों के कि मैं जाता हूँ बस कॉफी पी के आ जाता हूँ, ऐसा करना है करो, वो लूट रहे लोगों का, आप उनको लूटो, जो भी करना है करो। लेकिन बस यही कहना था, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था, मैंने ऑलमोस्ट बताया होगा, आई डोंट नो, जितना याद आ रहा था सब बताया है।
और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, और आपको होपफुली MLM और ये पोंजी स्कीम के बारे में पता चल गया होगा। और क्या ही बोलूँ, ये आखिरी दिन है 2023 का और आपको बताना था, बस वही था, इसके लिए ये वीडियो बनाया है। आई होप कि ये किसी को तो एक दो बंदों को तो हेल्पफुल साबित हो। एंड आप अगर कुछ क्वेरी हो तो मुझे भी मेल कर सकते हो, मैं मेल दे दूंगी मेरा डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, 2024 आपके लिए अच्छा हो।